दोस्तों किशनगंज में इतने हज़ार वोटों से एमआम पार्टी की जीत पक्की इस बड़े टीवी चैनल अपने एग्जिट पोल में एम पार्टी के प्रत्याशी ईमान को किशनगंज में दिखाया सबसे आगे जेडीयू और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लड़ाई से हुए बाहर दोस्तों हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टीवी चैनल इमाम पार्टी को किशनगंज में सबसे आगे दिखाया है यानी कि किशनगंज में इमाम पार्टी फुल बहुमत से जीत रही है दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि किस टीवी चैनल अपने एग्जिट पोल के अनुमान में इमाम पार्टी को किशनगंज में आगे दिखाया है तो बस आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूं अबू तालिब जमाली और आप अभी देखना स्टार्ट कर दिए हैं अररिया इमाम न्यूज़ चैनल दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कल यानी कि आने वाला 4 जून को 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है लेकिन उससे ठीक एक जून की शाम में एग्जिट पोल का अनुमान आया और लगभग सभी एग्जिट पोल किशनगंज में कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद के ओर इशारा किया एग्जिट पोल के अनुमान से किशनगंज कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आज तक टीवी चैनल अपने एग्जिट पोल के अनुमान में इमाम पार्टी के प्रत्याशी जनाब ईमान को किशनगंज में आगे दिखाया है इस वक्त जो तस्वीर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तस्वीर के जरिए से आप समझ सकते हैं दोस्तों नीचे दो सीट जो अन्य के हिस्सा में लिखा हुआ है इनमें से किशनगंज और पूर्णिया की सीट है दोस्तों आज तक टीवी चैनल के एग्जिट पोल के अनुमान में पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत रहे हैं वहीं असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलस मुस्लिमीन के प्रत्याशी और अमौर से विधायक जनाब अख्तरुल ईमान जेडीयू और कांग्रेस पार्टी को लड़ाई से किया बाहर आज तक टीवी चैनल के एग्जिट पोल के मुताबिक इमाम पार्टी के उम्मीदवार जनाब अख्तरुल ईमान किशनगंज से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों आप लोग इस खबर के मुताबिक अपना राय क्या रखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज़ चैनल फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ वरहमतुल्लाहि वर्का